आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ऐप के बारे में जानेंगे जिसकी सहायता से हम किसी भी फ़ोटो को उसके क्वालिटी को कम किए बिना उसे ज़्यादा साइज़ से कम साइज़ वाले फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए हम प्ले स्टोर में जाकर LIT नाम का एक ऐप सर्च करेंगे। आए हुए इस ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इस ओपन वाले पे क्लिक करूँगा। इस ऐप की सहायता से हम किसी फ़ोटो को कंप्रेस, रिसाइज तथा क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्रेस के लिए यहाँ कंप्रेस फोटोज पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जिसको कंप्रेस करना चाहते हैं। मैं इस 25 MB वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ फ़ोटो वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ साइन पर क्लिक करूँगा। हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे क्वालिटी 100% कर देंगे। साइज़ में जाकर हम 500 KB सेटिंग करने के बाद हम स्टार्ट कंप्रेसिंग पे क्लिक करेंगे। हमारा फ़ोटो कंप्रेस हो रहा है। फ़ोटो कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये वाला फ़ोटो 25 MB का था, बाद में 446 KB का हो गया है। हम ये काम अपने डायरेक्ट फाइल मैनेजर से भी कर सकते हैं। चलिए एक फ़ोटो को अपने फाइल मैनेजर से उसके साइज़ को कम करके देखते हैं। हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा MB वाले फ़ोटोज़ हैं। एक फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं और उसे हम इंस्टॉल किए हुए ऐप में शेयर कर देते हैं। यहाँ से हम अपने इंस्टॉल किए हुए ऐप को सेलेक्ट करेंगे, लाइट फ़ोटो, और यहाँ पे कंप्रेस फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें फ़ोटो की साइज़ को कम करना है। अब यहाँ पे क्वालिटी 100% कर देंगे। साइज़ में हम फ़ोटो के अनुसार कम से कम MB रखेंगे, जो कि हमें 500 KB फिट किए हुए हैं। स्टार्ट कंप्रेसिंग पे करेंगे। हमारा फ़ोटो कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने के बाद हमारा फ़ोटो यहाँ पे दिखा रहा है, पहले ये 29 MB का था, 520 KB का है, और फ़ोटो भी देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो इस तरह हम किसी फ़ोटो के साइज़ को कम कर सकते हैं बिना उसे क्वालिटी को कम किए हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐप के साथ।